हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ग्रेड प्लस आज हम लोग इलेवेंथ फिजिक्स का एक पहला चैप्टर करने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस जिसमें डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे चाहे वो बच्चा यूपी बोर्ड का हो आईसीएससी का हो सीबीएसई का हो दिस चैप्टर इज कॉमन एवरीवेयर इन एवरी बोर्ड्स सो यू हैव टू फोकस लॉट ऑन दिस चैप्टर बिकॉज द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर इज ऑलवेज हैविंग ए क्वेश्चन इन जे एडवांस नीट एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आप चाहे जे मेंस की तैयारी कर रहे हो चाहे आप ट्वेल्थ के बाद कोई और कम्पटिटिव एग्ज़ाम स्टेट एग्जाम्स देना चाहते हैं उसमें इसमें का एक कंटेंट कम से कम आपको हर एग्ज़ाम में मिलेगा और बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये डायमेंशनल एनालिसिस तो इस चैप्टर को समराइज़ कर देता हूँ पहले कि हम पहले पढ़ेंगे कि फ़िजिकल क्वान्टिटीज़ क्या होती हैं हाउ दे डिफ़र फ्राम ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है कैसे फिजिकल क्वांटिटीज किसी सिस्टम ऑफ़ यूनिट में मेज़र करते हैं डायमेंशनस क्या होती हैं उनको लिखने का क्या तरीका है और उनके यूजेज क्या हैं साथ ही साथ उनका लिमिटेशन क्या है और इनको हम क्यों पढ़ें इनकी ज़रूरत हमको क्या है इन सारी बातों पर आज का लेक्चर डेडिकेटेड रहेगा तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आएगा शुरू करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से और इस चीज़ पर डिस्कस करने से पहले अपनी तरफ से मैं एक चीज बताना चाहूँगा कि हम बेसिकली जब भी डील करते हैं फिजिक्स में तो हम कोई भी भी लिखते हैं और कोई एक फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं तो दो शब्द मैंने बोले आई हैव स्पोकन टू वर्ड्स वन इज क्वांटिटी एंड अदर वन इज फिजिकल क्वांटिटी यू मे वांडर दैट दर्ड्स बहुत द वर्ड्स लुक लाइक सेम बट द डिफ देयर मीनिंग इज़ टोटली डिफरेंट दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लग रहे हैं पर मीनिंग दोनों का अलग अलग है अब फिजिकल क्वान्टिटी और क्वान्टिटी में फ़र्क क्या है आपने नंबर्स पढ़े वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन ये सारे क्या हैं ये न्यूमेरिक नंबर हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं क्या आप इनको मेज़र किए हैं कभी किसी ने कहा जाओ बेटा टू को मेजर करके आओ किसी ने कहा जाओ टेन को मेजर करके आओ नहीं आप नहीं कर सकते बिकॉज दे आर प्योरली ए नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज ओनली फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड तो जो भी चीज मेजर की जा सकती है ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगी फिजिकल क्वांटिटी एक एग्जाम्पल टू न्यूमेरिक नंबर के जी सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें उस क्वांटिटी को आपने मेज़र किया तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई ए क्वांटिटी विच हैज़ न्यूमेरिकल वैल्यू अलोंग एलोंग सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड. तो जो भी चीज़ आप मेजर कर सकते हैं वो है आपकी फिजिकल क्वांटिटी और इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर टू के जी टू लीटर फाइव मीटर एसेट्रा एसेट्रा कुछ भी लिखते चले जाइए ये इनफाइनाइट तक आप लिख सकते हैं तो बेसिक डिफरेंस यही है क्वांटिटी में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस सिस्टम ऑफ यूनिट्स अब यूनिट से आप फैमिलियर हैं एम के एस सी जी एस एफ पी एस तो जो हमारा नॉर्मल कन्वेंशन है फिजिक्स में सारा कुछ ऐसा सिस्टम इंटरनेशनल डी स्टैंडर्ड फ्रेंच में इसको बोलते हैं एम सिस्टम जिसको कहते हैं और ब्रिटिश वाला जो है एफ uh, होता है जिसमें लेंथ को फीट में मास uh, को पाउंड में और टाइम को सेकंड में और एम के एस में लेंथ में मीटर मास को केजी में और टाइम को सेकंड में टाइम सभी में यही रहता है रसाई और एम लगभग एक ही बात होती है तो इनका आइडिया आपको होगा तो एम के लिए याद रखिएगा सी के लिए याद रखिएगा छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है और आपको याद भी होना चाहिए तो अब हमने ये देख लिया कि दो तरीके की चीज़ों में हमने एक क्वांटिटी को डिफ़ाइन किया एक क्वांटिटी हो गई और एक फ़िज़िकल क्वांटिटी हो गई अब सारा का सारा डिस्कशन जो होगा हमारा फिज़िकल क्वांटिटी पर होगा ठीक है फिज़िकल क्वांटिटी के लिए आपको समझना क्या पड़ेगा <coughs> कि जब भी कोई फिज़िकल क्वांटिटी आपने मेज़र कर ली आपने लिख दिया ठीक है उसको हम और फिज़िकल क्वांटिटीज के साथ रिलेट करना चाहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी क्वांटिटी से निकल के आती हैं तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक तरीका यह है कि सबसे पहले हम डिस्कस करें कि फिज़िकल क्वांटिटीज के टाइप्स क्या है हाउ मेनी टाइप्स आर देयर फॉर ए फिज़िकल क्वांटिटी तो हम क्या पढ़ने वाले हैं टाइप्स इसके फिज़िकल क्वान्टिटी फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है और सिस्टम ऑफ यूनिट है तो फिजिकल क्वांटिटी अब आपका ये चैप्टर शुरू हो गया है फिजिकल क्वांटिटीज को मेनली ध्यान दीजिएगा मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज अभी हम अपना लेक्चर दे लें फिर उसको जो नोट्स आपको बोर्ड पे दिख रहे थे उनको भी हम ऐड करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी हैं डाइव्ड फंडामेंटल जैसा नाम सही जाहिर है जो खुद में फंडामेंटल है जिनको कहीं और से आप नहीं ला सकते बट उनकी हेल्प से बहुत सारी क्वांटिटीज को आप बना सकते हैं ऐसी क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं मीन्स द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी डेराइव फ्रॉम एनी अदर क्वांटिटी आर कार्ड Fundamental quantities. There are seven fundamental quantities length, mass, time, thermodynamic temperature, electric current, amount of substance. और लास्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसकी यूनिट जो है कैंडेला होती है और इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो सी है सी से और इसको यूनिट होती है कैंडेला ठीक है लेंथ के लिए एमके सिस्टम में मीटर टाइम के लिए सेकंड मास के लिए केजी जी टेम्परेचर केलविन में करंट एम्पियर में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मॉल में एम ओ एल मॉल मॉलिक्यूल का शॉर्ट फॉर्म होता है मॉल बोल देते हैं इसमें ठीक है करंट एम्बियर में मास के जी में लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में और टेम्परेचर केल्विन में टेम्परेचर स्केलिंग आपको पता है केल्विन फारेनहाइट आप कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं वो एक अलग पोर्शन हो जाएगा उसकी बात नहीं करेंगे अब ये सात ऐसे क्वांटिटी हैं मैं हट जाता हूँ आप देख लीजिए सात ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिनसे बाकी दुनिया जहान की सारी क्वांटिटीज़ डेराइव हुई हैं कैसे डेराइव हुई हैं वापस चलते हैं अपने आ, उसी पोर्शन पे जैसे हमने कहा कि एक हॉरिजॉन्टल लेंथ एल है एक वर्टिकल लेंथ भी एल है जिसको आप ब्रेथ बोल दे देते हैं हम उसको लेंथ ही बोल रहे हैं बट ये वर्टिकल लेंथ अगर इन दोनों लेंथ को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ यानी लेंथ क्या हो जाएगा एरिया एरिया जो क्वांटिटी है वो आपने डेराइव की है कहां से फंडामेंटल क्वांटिटी से और वो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है यहां पर लेंथ अगर लेंथ का आइडिया नहीं होता इफ यू डोंट हैव द आइडिया ऑफ लेंथ यू कैन नेवर डेराइव एरिया बिकॉज एरिया हैज बिन डेराइव्ड बाय मल्टीप्लाइंग टू लेंथ्स दो लेंथ को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया एरिया अब इसी डायग्राम को अगर हम थ्री डायमेंशनल में ले जाएं तो इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया लेंथ और हाइट सारी लेंथ ही तो है बस आपने वर्टिकली देखना है डेप्थ देखनी है हाइट देखनी है मेजर तो आप लेंथ ही करेंगे यानी लेंथ को अगर थ्री टाइम्स आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या पा जाते हैं उसके लिए वॉल्यूम एरिया पहले टू टाइम्स मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई किया किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी वो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है लेंथ अगर लेंथ नहीं होती तो आप वॉल्यूम तक भी नहीं पहुंच सकते थे तो कहने का मतलब क्या है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही हम बाकी सारी क्वांटिटीज को फिजिक्स में डराइव करते हैं इसीलिए उनको डेराइव बोलते हैं और इनमें से ये डिराइव नहीं हो सकती इसलिए इनको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं एक सिंपल ले एग्जाम्पल लेते हैं एक सिंपल ले ले लेते हैं मिल्क का दूध लिया हमने इसको हमने इसको कंसीडर किया है क्या ये फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या है फंडामेंटल अब इससे क्या क्या बना सकते हैं आप मिल्क से दुनिया जान की चीजें बना सकते हैं कर्ड दही ठीक है छाछ ठीक है और रस मलाई रबड़ी रसगुल्ला जितनी भी स्वीट्स आपको दिखती हैं ठीक है पनीर लेकिन तो ये ये सारे क्या हुआ? ये हुए किससे दूध से तो ये सब क्या है डेराइव कहां से डेराइव हुए फंडामेंटल से अब इसका रिवर्स प्रोसेस करिए डेराइव से फंडामेंटल आप ला सकते हैं क्या आप दही से दूध बना सकते हैं क्या मिठाई से दूध बना सकते हैं पनीर से दूध बना सकते हैं कभी नहीं आप कभी नहीं बना सकते हैं इसलिए हम ये बात कहते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज किसी और क्वांटिटी से डेराइव नहीं होती हैं जबकि फंडामेंटल से हम बहुत सारी क्वांटिटीज को डराइव कर सकते हैं तो ये हो गया दो क्वांटिटीज के बारे में जिनको हमने कहा अब जो बात हमारी चल रही थी हमारी बात चल रही थी इस पर कि डाइमेंशंस क्या है कब इनको पढ़ते हैं दो टाइप हमने बना लिए फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव क्वांटिटी एक तीसरा भी है एक तीसरा यह है कि अगर दो कोई प्लेन लाइंस हैं और वो किसी एक एंगल पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं ये एक लाइन है कि ये लाइन है तो इन लाइंस के बारे में आपको बताना है ना आप मीटर में बता सकते हैं इसके लिए ना किलोग्राम में न सेकेंड में न एम्पियर में तो एक, एक दो एक्स्ट्रा क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी तो फंडामेंटल और डिराइव्ड के बीच में एक और आ जाती हैं सप्लीमेंट्री क्या आ जाती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ठीक तो दो लाइंस जब कट करती हैं तो जो एंगल बनता है उस एंगल के हिसाब से उसको हम डिफाइन करते हैं और इस एंगल को बोलते हैं प्लेन एंगल तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ में दो हो गई पहली प्लेन एंगल और इसकी यूनिट मेजर करेंगे रेडियन में और यही चीज़ अगर थ्री डायमेंशनल में है सपोज करिए यू आर डीलिंग विद एन स्फेरिकल स्फेरिकल शेप कोई स्फेरिकल शेप है जिसका रेडियस आर है स्फीयर का मतलब एक थ्री डायमेंशनल शेप है इमेजिन करिए आपके हाथ में मोतीचूर का लड्डू है बूंदी का लड्डू है आप लड्डू को रोटेट करिए हर तरफ से उसमें बूंदी की फीलिंग है कि नहीं है तो वो थ्री डायमेंशनल शेप है सर्किल अलग पार्ट हो गया हिस्सा हो गया और स्फीयर अलग हो गया सर्किल हालो होता है उसकी सर्कम्फ्रेंस होती है जबकि स्फीयर में मास जो होता है मैटर जो होता है वो ऑल पॉसिबल जो थ्री डायमेंशनल शेप है उसमें फिलअप होता है तो इस तरीके के साथ जो एंगल बनता है उसको प्लेन एंगल ना बोल के उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं और ये स्फेरिकल शेप से ही डिटरमिन होता है इसको सॉलिड स्फीयर बोलते हैं सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या है कि ये अंदर से खोखला नहीं है पूरा पूरा भरा हुआ है और सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है स्टेरेडियन तो सॉलिड एंगल को कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं ओम से भी और ओमेगा से भी इसकी वैल्यू आती है फोर पाई स्टेरेडियन ये फोर पाई आता कहाँ से है? इसके लिए फार्मूला है सॉलिड एंगल का छोटी क्लासेस में शायद मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है कि एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ स्फीयर का स्क्वायर जो भी स्फीयर सेप लिया है आपने उसका एरिया आप लिख लें और उसकी रेडियस के स्क्वायर से उसको डिवाइड कर दें तो हमने जो स्फीयर लिया है वो सॉलिड स्फीयर है उसका रेडियस है हमारे पास आर और सॉलिड स्फीयर का एरिया होता है फोर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस स्क्वायर आर स्क्वायर तो क्या मिल गया आपको सॉलिड एंगल फोर पाई स्टे रेडियन एस आर शॉर्टकट में लिख देते हैं तो ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं अपने बोर्ड पर स्टे रेडियन रेडियन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको ध्यान रखिएगा तो दो तीन चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली कौन कौन सी एक हमने पढ़ा कि क्वांटिटी क्या होती है फिर हमने देखा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है फिर फिजिकल क्वांटिटी के तीन टाइप पढ़े फंडामेंटल डिराइव्ड और उनके बीच में सप्लीमेंट्री इतना आइडिया होने के बाद ही आप डायमेंशन पर आगे बढ़िए क्योंकि डायमेंशंस किसकी लिखनी है आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा डायमेंशंस की डेफिनेशन में डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी टिल यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वान्टिट्टी इट इज़ वर्थलेस टू स्टडी डायमेंशन जब तक आपको फिजिकल क्वान्टिटी का आइडिया नहीं होगा आप डायमेंशन की डिफिनीशन ऐसे रखते ही रहेंगे तो फिजिकल क्वान्टिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू और सिस्टम ऑफ यूनिट होना चाहिए एनी थिंग दैट कैन बी मेजर इज अ फिजिकल क्वान्टिटी जिसको भी आप मेजर कर सकते हैं मेज़र करने के लिए टूल होते हैं ठीक है जैसे लेंथ के लिए आप स्केल यूज करते हैं वजन के लिए आप पेन बैलेंस यूज करते हैं स्प्रिंग बैलेंस यूज करते हैं ऐसे ही जो भी चीज़ मेजर कर सकते हैं वो क्या है फिजिकल क्वांटिटी अब डायमेंशनस की सिंपल एक लाइन की डेफिनेशन क्या है आपके घर में फ्लोरिंग हो रही है सपोज़ करिए टाइल्स का काम हो रहा है आपके डैडी ने कहा मिस्त्री से भैया ज़रा कमरे की डायमेंशन बता दो हम टाइल लेने आए टाइल की डायमेंशन बता दो तो उसने कहा भाई टू बाई टू की ले आइएगा सर जी तो दो फीट हो गई लेंथ और दो फीट हो गई ब्रेथ और एरिया पूरा निकाल कर कैलकुलेट कर लिया तो डायमेंशंस का यहां पर रोल क्या है डायमेंशंस बेसिकली पावर्स होती है बहुत शॉर्ट डेफिनेशन पढ़िए डायमेंशंस आर दी पावर्स रेज्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज को भी कह सकते हैं हमारे यहाँ देखिए ये बेस क्वांटिटी भी नया एक वर्ड है चाहे आप फंडामेंटल क्वांटिटीज कहिए चाहे बेस क्वांटिटीज कहिए बे बात एक ही दूसरा जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज जिस भी यूनिट में मेजर करेंगे वो फंडामेंटल यूनिट जो भी डेराइव्ड क्वांटिटी जिस भी यूनिट में मेजर करेंगे वो डेराइवड यूनिट तो उसकी डेफिनेशन लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है डायमेंशन आर दी पावर्स रेज टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज अब इस बात को कैसे समझे इसी एग्जाम्पल से समझिए एरिया वाले एरिया के लिए आपने क्या किया था लेंथ को दो बार मल्टीप्लाई किया तो आपको लेंथ की पावर क्या मिल गई टू अब यहां पर लेंथ क्या है हियर लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी और उससे आपने डिराइव क्या किया अभी अभी एरिया दिस डिनोट्स एरिया रेक्टेंगल का एरिया और एरिया निकालने के लिए आपने फंडामेंटल क्वांटिटी पर कितनी पावर चढ़ाई दो और यही पावर उसकी क्या है डायमेंशन फिर से यहां से देखिए डायमेंशंस आर द पावर्स रेस्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटीज डायमेंशंस वो चीज है वो पावर्स हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर लगाते हैं ठीक है तो आप इस एग्ज़ाम्पल्स को देख सकते हैं यहाँ भी पढ़ सकते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना है तो उसमें ये रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि हाउ एंड विच ऑफ़ द बेस क्वांटिटीज आर इंक्लूडेड इन दैट क्वांटिटी इस लाइन का मतलब ही मैंने अभी, अभी अभी आपको समझाया है कि कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी कितने अमाउंट में उसको एक्सप्रेस करने के लिए इंक्लूडेड है ठीक है आप इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जैसे आपने एरिया निकाल लिया डायमेंशन बना ली तो कन्वेंशन क्या है कि मास के लिए सिंबल है लेंथ के लिए आप सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे कैपिटल एल टाइम के लिए लेंगे टी और लिखने के लिए जो यूज करेंगे वो है स्क्वायर ब्रैकेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहां पर जो है हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट है ठीक है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आप यहां पर देख सकते हैं तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करेंगे ठीक है चलिए कुछ क्वांटिटीज को लिख लेते हैं और ये देखिए अगर पावर मास की वन है तो वन लगा देंगे लेंथ नहीं है टी नहीं है तो उन पर जीरो लगा सकते हैं आप इग्नोर भी कर सकते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पावर जीरो ला के आप चलते ही रहिए अंडरस्टैंडिंग वही रहेगी कि किसी की पावर अगर ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू वन है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है डोंट वरी अबाउट दैट कुछ लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूले दूसरा किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए डायमेंशंस लिखने के लिए आपको उस क्वांटिटी का फार्मूला पता होना चाहिए मीन्स इफ़ यू विश टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला एन ए फिजिकल क्वान्टिटी यू मस्ट नो द फिजिकल फार्मूला ऑफ दैट क्वान्टिटी अगर आपको फार्मूला नहीं पता है क्वान्टिटी का तो आप डायमेंशन भूल जाइए फिर डायमेंशन आप कर नहीं पाएंगे और रो जो रट्टा मैकेनिज्म है रोट मकैनिज्म उस पर मत रिलाई करिएगा आप कहाँ तक पावर याद करेंगे तो उससे बेटर है कि आप फार्मूला याद करें जैसे हमने एरिया बताया वॉल्यूम बताया फोर्स है वर्क डन है एनर्जी है जो बेसिक एलिमेंट्री फार्मूले हैं वो आपको याद रखने चाहिए किसी भी किताब को उठाएंगे आप उसमें दुनिया भर की डायमेंशंस लिखी हैं और उसके लिए बहुत परेशान मत होइए जैसे जैसे चैप्टर आते जाएं उस टॉपिक से रिलेटेड उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे उन क्वांटिटीज़ को पढ़ेंगे उनके फार्मूले वहाँ लिखे होंगे तब आप डायमेंशनस लिखिए अभी आप उनके साथ चलिए जिन फार्मूलों से आप फैमिलियर हैं ठीक है चलिए पहला हम चलते हैं हम चलते हैं अपने वापस पेज पर और इसको कर देते हैं क्लेन और हम लिखने जा रहे हैं डायमेंशन ठीक है सबसे पहला ले, ले लेते हैं हम एरिया व्हाट इज एरिया लेंथ इनटू लेंथ या लेंथ इनटू ब्रेथ जो आपने समझा अब लेंथ को के लिए भी सिंबल एल डायमेंशन में लिख रहे हैं कैपिटल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ब्रेथ भी लेंथ एल दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या दे देंगे एल स्क्वायर तो ये क्या हो गई डायमेंशन ऑफ एरिया किसमें लिखी है स्क्वायर ब्रैकेट्स में फिर से डायमेंशन आर दी पावर्स टू द फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज लेंथ सिमिलरली वॉल्यूम पे चलते हैं वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना है एल बी एच तीन बार लेंथ को मल्टीप्लाई करना है यानी यहां पर पावर हो जाएगी एल क्यूब ठीक है इसी सीक्वेंस में रखते हुए आपको वॉल्यूम पता चल गया मास के लिए आप एम लिखते हैं तो आप डेंसिटी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम तो मास के लिए एम वॉल्यूम के लिए एल क्यूब अभी अभी आपने निकाला है कोशिश यही करनी है कि इसको सॉल्व करके लिखें न्यूमरेटर में सारी चीज़ें लिखें डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं रखना है तो कोई भी चीज़ जो पावर रखती है और डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में जाएगी तो उसकी पावर माइनस में हो जाएगी तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया अब यहीं पर फ़ायदा देखिए आपको दिख रहा होगा डायमेंशनल फार्मूला पता है फिजिकल फार्मूला पता है तो यूनिट भी निकाल सकते हैं मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो देखिए कितने फ़ायदे हैं इसके हर फायदों पे अलग बात होगी डेंसिटी हो गया वॉल्यूम हो, हो गया आपके पास <coughs> अब हम स्पीड निकालना चाहते हैं आप स्पीड कहिए या वेलोसिटी भी ले सकते हैं क्योंकि दोनों में फार्मूला है एक का है डिस्टेंस अपॉन टाइम दूसरा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है डिस्टेंस भी लेंथ है हम उसकी कोर फिजिक्स पे नहीं जा रहे हैं इनिशियल फाइनल और फलाना ढिमकाना उस पर हम नहीं जाएंगे हमें अल्टीमेटली मेज़र करनी है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और उसके लिए हमेशा क्या लेंगे एल तो स्पीड या वेलोसिटी के फार्मूले के लिए चलिए क्या फार्मूला पढ़ा है आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट एल टाइम ठीक आप बिग ब्रैकेट्स लगा सकते हैं अभी आप जब फेमिलियर नहीं है तो इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ बाकी जब आप फेमिलियर हो जाइएगा तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है अब एक्सीलरेशन पे आ जाते हैं एक्सीलरेशन के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं रेट ऑफ़ ऑफ़ चेंज वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी अपॉन टाइम। की ये है। उसको एक बार और टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो आपको क्या मिलने वाला है ये टी पावर ऊपर जाएगी सेम बेस होते हैं तो पावर एड हो जाती है दिस विल गिव यू एल टी पावर माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहीं से आप देख के यूनिट भी बता सकते हैं एक्सीलरेशन पता है मास पता है तो क्या निकाल सकते हैं फोर्स बहुत इजी चैप्टर है फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सीन मास के लिए गिव यू एम एल टी पावर माइनस टू बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है बहुत यूजफुल डायमेंशन है हर जगह बिल्कुल इसको कंठस्थ कर लीजिए गायत्री मंत्र की तरह तो ये हो गया आपका फोर्स उसके बाद देखिएगा फोर्स पता है आपको फोर्स को अगर डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिल जाता है वर्क डन वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी तो वर्क डन कहें या एनर्जी कहें ठीक है बात एक ही है और एनर्जी कौन कौन सी अगर बॉडी चल रही है तो काइनेटिक रुकी है तो पोटेंशियल तो कहने का मतलब क्या है चाहे आप डन की डायमेंशन निकालिए चाहे आप एनर्जी बोलिए चाहे उस एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी बोलिए या पोटेंशियल एनर्जी बोलिए सबकी डायमेंशन एक ही होगी कैसे होंगे अभी प्रूफ भी करेंगे वर्क के लिए फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दिमाग में रखिए फोर्स हमारे पास एम एल टी पावर माइनस टू और हमें डिस्प्लेसमेंट करना है यानी लेंथ लेनी है तो लेंथ की पावर फिर इसमें ऐड हो गई हमारे पास कितना आ गया एम एल स्क्वायर टी माइनस तो तो जो बात अभी हमने कही है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की भी यही डायमेंशन होगी इस बात को हम प्रूफ करके भी देखते हैं दूसरा जब भी आप डायमेंशन लिखेंगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी के लिए होंगी अब काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है हाफ़ एम वी स्क्वायर इसके लिए हम कंसर्न नहीं है वी डोंट वादर अबाउट हाफ वी ओनली टेक इंटू कंसिडरेशन एन वी स्क्वायर ट्रिगनामेट्रिक रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा उनके लिए डायमेंशन नहीं लिखनी है कॉन्सटेंट्स के लिए नहीं लिखनी है और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही हैं इनकी कोई डायमेंशन नहीं क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी के पैरामीटर पे है नहीं ठीक है ये सिंपल क्वांटिटी है फिजिकल क्वांटिटी नहीं है तो यहाँ जरा वेरीफाई करते हैं कि ये जो हमने लिखा है काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या तो ये बात सही है चलिए करके देखते हैं एम के लिए एम और वेलोसिटी का स्क्वायर डिटेंस स्पीड और वेलॉसिटी एल टी पावर माइनस टू दिस विल एल टी पावर माइनस वन सॉरी करेंगे तो आप पावर ओपन करिए माइनस टू हेयर टी माइनस टू हेयर स्क्वायर टी माइनस टू तो एक का लिखेंगे तीन का पता चल जाएगा फिर से आप अगर रिलाई नहीं कर रहे हैं हमारी बात पर तो हम इसको एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में फिर से डिराइव करके देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच जी इज एक्सीलरेशन अब यहीं पर देखिए ये एक्सीलरेशन कोई भी हो या ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी हो दोनों की डायमेंशन एक ही होंगी ठीक है देखिए मास के लिए एम एक्सीलरेशन के लिए एल टी पावर माइनस टू और एच हाइट है हाइट मीन्स वर्टिकल लेंथ अगेन यू विल मल्टीप्लाई विद द लेंथ what will you get ml square t minus 2 so you can see on the board the dimensional formula for kinetic energy for potential energy for work done is same dhyan rakhni hai is baat ko ab hum nikal sakte hain pressure ka pressure force upon area जो formula आपने पढ़े हैं मैं वही consideration में ले रहा हूँ बहुत ज़्यादा deep नहीं जाना है अभी जब आगे पढ़ते जाएंगे तो टॉपिक्स आते जाएंगे तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं फोर्स के लिए मिल्टी पावर माइनस टू एरिया के लिए एल स्क्वायर एक एल कैंसिल हो गया एम एल इनवर्स टी माइनस टू तो देख रहे हैं सारा खेल कैसे चल रहा है सारा का सारा डिपेंडेंसी है आपके फिजिकल फार्मूले पे अगर फार्मूला नहीं आता तो भैया ये हो नहीं पाएगा आपसे तो फार्मूले आपको याद रखने एक और ले लेते हैं लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलासिटी मास एम वेलासिटी एल टी पावर माइनस वन देखिए आ गया एम एल टी पावर माइनस वन लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, और एक जो बहुत प्यार से पूछा जाता है कई बार पूछा जाता है वही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी की डायमेंशन ऑफिनली uh, पूछ ली जाती है तो हम चलते हैं अपने uh, उसी टॉपिक पर कंटेंट पर और उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे क्या क्या कर सकते हैं ये एग्जाम्पल देखिए फोर्स के डायमेंशन आपने देख रहे होंगे अभी अभी हम लोगों ने निकाली थी क्या थी एम एल टी पावर माइनस टू ये रही एम एल टी पावर माइनस टू रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स तो ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है मास टू दावर वन लेंथ टू दावर वन और टाइम टू दावर माइनस टू तो ये डिपेंडेंसी हो गई कि किस किस फिजिकल क्वांटिटी पे ये डिपेंड कर रहा है ठीक है तो ये आप कर सकते हैं दूसरा इसके यूजेस हैं वो भी आगे पढ़ाएंगे इस बात को खत्म करते हैं पहले हम शुरू करते हैं एक जो डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास F इक्वल टू न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फार्मूला क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये दो मासज रखे हुए हैं सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस ठीक है अब आपसे पूछ गया है कैपिटल जी का डायमेंशन निकालिए तो जिसका आपको डायमेंशन निकालना है सबसे पहले उसको आप सेपरेट करिए फार्मूला बनाइए एफ इन टू आर स्क्वायर अपॉन एम वन एम टू अब सिंपली आपको अभी अभी फोर्स की डायमेंशन लिखी हुई थी एम एल टी पावर माइनस टू आर डिस्टेंस है इसका स्क्वायर है तो एल स्क्वायर मासेज हैं एम वन इंटू एम टू एम इंटू एम इसको आप अरेंज कर लीजिए एक एम ख़त्म हो गया यहाँ से एम माइनस वन हो गया एल क्यूब हो गया और टी माइनस टू हो गया दिस इज द डायमेंशन ऑफ जी तो अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता है यू कैन नॉट गो टू द डायमेंशन ऑफ फार्मूला सो दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशन वी विल टेक अप नेक्स्ट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास Till then, keep watching, keep supporting, keep sharing, and keep liking and comments. Thank you for watching. Great plus. Have a good day.